वर्तमान समय में चुनी हुई सरकार को किस तरीके से काम नहीं करने देने का एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभाव है, हम इसको कह सकते हैं। और जो देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होती है। आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आम नागरिक और जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो एक माध्यम है, अभी कुछ देर पहले इस देश के 125 करोड़ के उम्मीदों की मंदिर लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उस दिन सिर्फ लोकसभा का ही उद्घाटन नहीं, उस दिन उसी लोकतंत्र के मंदिर के चंद कदमों पर और भी कई 2-3 घटनाएं घटी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सरकारों पर, जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, उन पर प्रहार नहीं है, बल्कि उस राज्य की जनता के ऊपर प्रहार है। देश की जनता के ऊपर प्रहार है। इसमें इस विषय को लेकर हम अभी और गहराई से पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे। और आदरणीय गुरुजी के साथ भी इस विषय पर और क्या बृहद रूप से इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर आगे बढ़ा जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और आज मैं समझता हूं कि इस देश के 125 करोड़ को भी, के लोगों को भी, वर्तमान व्यक्तिगत अपनी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर देश के लोकतंत्र का हिस्सा बनने का प्रयास हो।
हमारे इस देश को अलग करने में जो योगदान और जो बलिदान और जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दिया है, कहीं ना कहीं उनके उन बलिदानी उनकी कुर्बानी का भी मजाक उड़ाने का प्रयास है और इस लोकतंत्र को बचाने का भी जो सब लोगों की भूमिका है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी और मजबूती के साथ एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित लोकतंत्र है उसको बचाने की आवश्यकता है। आज इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों से होते हुए बड़े भाई केजरीवाल जी यहाँ आए हैं, मान साहब भी, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं और इस विषय पर सभी राज्यों में चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, केरल के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, पूरे देश के लोग और पूरा देश का जनप्रतिनिधि दिल्ली उनका केंद्र बिंदु रहता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णय से आने वाले समय में पूरे देश पर असर डालेगा और ये असर इस देश के 80% लोग जो हमारे देश में किसान प्रवृत्ति के हैं, गांव देहात से आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक साबित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने जो के ऊपर जो चीजें थोपने का प्रयास हो रहा है इस विषय पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है और इस विषय पर इन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया है मैं इनको चाहूंगा कि ये अपनी मुहिम में सफल हो ताकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बची रहे। धन्यवाद।